बनकर क्या घूम रहा हूँ यार, 3 घंटे लगे मुझे तैयार होने में। इतना टाइम वेस्ट करने क्या जरूरत थी, ट्रक के नीचे आ जाता सेम लगता। सुन मेरी बात, धर्म पाजी, अच्छा सनी पाजी, करन आ रहे हैं, तो 2 घंटे के लिए मुंबई छोड़ जा। यार 4 घंटे तो मेरे को ट्रैफिक में लगे हैं, तब जाकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 1 मिनट हुए, ट्रैफिक में वो फंसता जो गाड़ी में आता है, तू आता पैदल, तू कैसे फंस गया? पैदल भी बड़ी ट्रैफिक थी, मैं तो ऐसे ऐसे करके आया हूँ। पीछे दुकाने वाले थे, उन्होंने सारा कुछ देखा है। ये सब जो तू पहनती है, तू शीशा देखती तेरी हंसी नहीं निकलती। शीशा टूट जाएगा इतनी सुंदरता को देख के। कैसी बिंदु की कंघी लग रही तू। सुनो जी, उन्होंने तो बेइज्जती करवानी है, हम जाके अंदर रिहर्सल करते क्योंकि छाना हम दोनों नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, तैयारी कर लें जरा। कूदो कूदो एक दूसरे पर कूदो अंदर। देवर जी 1 मिनट, हम तो कूद लेंगे लेकिन धर्म जी ने ना स्पेशल उठना, वहां से उंगलियां फंसानी है आपके बाल में। चल बड़ा चल, ऐसे लेके जाना, आओ जी हम चले। करण ये सवाल ना अर्चना जी का है, ये कह रही थी कि जैसे आपकी फैमिली में सब फिट हैं, तो कह रही थी कि जैसे आपके घर में जैसे बच्चे होते हैं तो पहले उनको स्कूल बैग देके स्कूल भेजते हैं कि जिम भेजते हैं डंबल देके। इनका सवाल था, इनको जवाब दे सकते हैं। स्कूल बैग में डंबल्स डालते थे। वेरी स्मार्ट आंसर। मैं आपको आपको पता है करण को किस्सा सनी भाजी को मैंने बताया, गदर में मैं भी हूँ हाँ, पर वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ हूँ। मैं बताया था सनी भाजी को, अरे गदर की शूटिंग हो रही थी अमृतसर में, पापा पुलिस में थे तो वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो कहते सनी देओल की फिल्म की शूटिंग चल रही, तुझे आना? मैं कहा हाँ। लोकल क्लब ने ना भाजी वैसे अफवाह फैला दी कोई कि आप आइए और आप शूटिंग का हिस्सा बनिए, उसके बाद सनी देओल से मिलने का मौका मिलेगा। हमें बाद में पता चला कि सनी भाजी उधर आए भी नहीं थे, वो सीन कोई और शूट हो रहा था, अमरीश पुरी साहब और अमीशा पटेल का। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, हम दोनों खड़े हुए बड़े बड़े पतीले ले और बोलते कि जैसे एक्शन होगा ट्रेन चलना शुरू करेगी, आपको भाग के चढ़ना है। अच्छा अमीशा पटेल जो 2 बार वो चढ़ नहीं पाई, तो ये बोले यार तो अमीशा पटेल चढ़ ही नहीं पा रही ट्रेन। बाद में हमें पता चला कि वो सीन ही ऐसा था कि वो चढ़ नहीं पाती है और ट्रेन छूट जाती है, और मैं चढ़ गया उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर 2-3 बार। फिर मेरे एक आइडिया आया, मैं कहा ये भीड़ में ना मेरा सीन नहीं आएगा। तो पाजी वो थे अपने जो एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा, वो जिप्सी पे खड़े हुए थे, वो एक्शन, तो सारी भीड़ इधर दौड़ रही, मैंने देखा इधर खाली एरिया, मैं अकेला इधर दौड़ता हूँ। तो नहीं दिमाग में थोड़ा ना पता था टेक्निकलिटी, मैं अकेले दौड़ा, मुझे उन्होंने पकड़ लिया, कहते ओए। फिर उन्होंने बड़ी स्वीट सी गाली दी मुझे। कहते इधर किधर भाग रहा है, मैं कहा उधर एक्शन बोला है आपने, भाग इधर से, चला गया। फिर मैं वापस भीड़ में भागा, फिर जब फिल्म आई मैं लेके गया दोस्तों को, मेरा कट गया पाजी सीन। बट कपिल तेरी जर्नी क्या कमाल की है यार, तू एक सीन देखने गया था एक फिल्म का, लुक वेयर यू आर टुडे। सर एक स्पेशल बेताब का डायलॉग है सर जी का। हाँ जी, बेताब फिल्म का, मैं बेताब फिल्म से फैन हूँ सर का। उसके पहले उन्होंने की भी नहीं थी कोई। हाँ। कोई फर्स्ट फिल्म से फैन हूँ। जी 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 सर। सर जब जाते हैं अमृत्या सिंह के बंगले पे, हाँ जी, तो एक विलन बोलता है बेटा बहुत गर्मी है खून में। हाँ जी। सर बोलते हैं बेटा होगा तेरा बाप, किसी दिन अकेले में मिलना, बताऊंगा कितनी गर्मी है खून में। पाजी आपको याद है ये डायलॉग? मतलब कोई बोलता है तो याद आ जाता है, पर देख लो आपके चाहने वाले जो कैसे रटे हुए हैं। बट यू नो बॉलीवुड में कहा जाता है स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के बारे में कि वो ही स्टार है जिसके डायलॉग्स कॉपी करने का लोगों को यू नो शौक होता है या कर पाते हैं। एक ऐसी यूनिक स्टाइल होनी चाहिए जो कॉपीएबल हो, and there's Dharam ji and there's Sunny of course and there's so many other you know good actors jinko copy karke Hindustan bahut khush hota hai and that is a symbol of being a star. So Karan, I hope aap mein bhi kuch aise unique cheez hogi jo log copy karenge jaise aapke dada ji ko aur aapke papa ko. Hopefully, hopefully. Yes. Dekhte. Hi hi, Sunny Deol ka dialogue kahenge aap? Hi, my name is Nazreena, I'm from Singapore.
of course, international fans. Nazreena. Of course, you're very famous in Singapore, and I don't understand Hindi, but I'm here to see you today and also to represent Singapore in the international competition. अच्छा इनके साथ हैं. Even I don't understand English, but I love watching English. Nazreena, you want to say some dialogue? Okay. Pehli boli ko aao chalega, hum tum aao chalega. 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 Are you married or single? Married. Married. Yeah. Thank you so much for coming. Karan, आपको पता है जब मैंने ये शो की शुरुआत करी थी तो तब किसी को पता नहीं था कि शो है क्या, तो कोई आने को तैयार भी नहीं था, तो मैं धर्मपा जी के पास गया था. तो मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मना कर पाते हैं, सब जानते हैं. सो तब पाजी आशीर्वाद देने आए थे, और आज कितने सालों से ये हमारा शो टचवुड लोग इतना प्यार दे रहे हैं. आपकी फिल्म तो खुद प्रोड्यूस जो है धर्मपा जी कर रहे हैं, और पाजी लोग इंतजार कर रहे हैं करण का बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए. तो बहुत बहुत बधाई. लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती. आप एक बार कॉमेडी सर्कस पे आए थे धर्म जी, आप वहां बैठे थे, एंड आई हैड टोल्ड यू कि मैंने परमीत को बोला था, मैंने कहा शादी हाँ करते वक्त, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ दैट आई कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी. मैं यहाँ पर इस कुर्सी में बैठी, मुझे लगता है मैं आई डोंट हैव अ राइट टू सिट, बट आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. भाजी आप शूटिंग, करण की जब शूटिंग चल रही थी आप देखने गए थे सेट पे? मैं नहीं गया, मुझे मैं गया शर्मा जाएंगे, सनी मुझसे शर्माता है, उससे शर्माता है, डबल शर्माने वाली कंपनी में चला जाऊं क्या हो. धर्म भाजी कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से. नहीं बस इसको बहुत ही, तो हर घर में वैसे तो सब इसको घेर लेते थे, जरा ऐसे करना. बहुत समझाया मैंने, बस इसको यही कहा कि एक्टिंग इज जस्ट रिएक्शन. इमोशनल आदमी को जरा अरे गिर गया यार बचाओ उसको, अरे इसने ये क्या, ओहो ये हो गया वहाँ कश्मीर में, उधर ये हो गया वहाँ, और किसी ने ये कहा तेरी वो भी है, मतलब वी रिएक्ट फास्ट जी. एंड आई नो कि कहाँ किस रोल में पहुँच के कितना बैलेंस करना है वो सीख लेगा, ये सब इसके अंदर इमोशनल है. बाकी मैं तो आते ही पता नहीं, मैं तो कहीं पढ़ने भी नहीं गया था यार. आते बिमल राय जी, गुरुदत्त, एक से एक हिरण, सब ऐसा, मैं तो ग्रेटफुल टू हिम. पाजी जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया, तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पर आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी ऋषिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी, और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सर जी. लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी आनंद. अच्छा जी. फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगाओ शुरू हो गई. अच्छा जी. राजेश के साथ जी. तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना. तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया. हाँ धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहा सी दूसरे कहानी मैंने सुनाई सी, ऐ कितने गया ऋषिदा. वो फिर बंद करे फोन, आधे घंटे बाद ट्र सो जा धर्म सो जा प्लीज. मैं नहीं, मेरी मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती, रात का देर हो गया. करण क्योंकि आप देओल फैमिली से हैं, धर्म पाजी दादाजी हैं, सनी पाजी पापा हैं आपके, स्कूल में आपको इस बात का कितना फ़ायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर दिया, नहीं यार सनी देओल का बेटा है इसको नहीं कुछ कहना, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, उसका रिवर्स होता था एक्चुअली. क्या वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज़ के लिए अच्छा है बस, अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में. अच्छा ऐसे क्यों बोलते थे?
क्योंकि ज़माना बदलता है, उनको लगता है कि एक्टर का बेटा एरोगेंट होगा या ऐसे होगा या वैसे होगा, क्योंकि मैं शर्मीला था और ज़्यादा बात नहीं करता था, तो वो मिसअंडरस्टैंड करते थे उसके वजह से। तो मैं क्या बोलूँ, वो उनका ओपिनियन था और मेरा ओपिनियन अलग था, तो बस ज़्यादा इमोशनल नहीं। अभी ट्वीट पढ़ा। अच्छा जी। मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में। इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये चार ऐसे बड़ी उम्र के लड़के हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ। नहीं उठा बेचारा। यू नो दे टॉर्चर स्टार सन। आई थिंक दैट्स व्हाई दे सेंड उनको बाहर पढ़ने। बाहर अब्रॉड भेज देते हैं। टॉर्चर टू द हेल। मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था दबंगी था। मैं तो दो चार को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी। लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा तर, मैं उसको क्यों नहीं मुझे बताया वो कहाँ है, अभी मैं ढूंढ लूँ। दिस इज विद ऑल द फेमस लोग होते हैं ना, उनके साथ होता ही है, बट देन यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। I went through it and I think similarly he also went through it, but that's part of growing up. No, it's a part of life. Yeah, that's my. But आप जो हैं आप best हैं करण, ये जो संस्कार हैं आपकी family से जो मिले हैं, जो मैं जब भी मिलता हूँ, जो हम लोग देखते हैं, so मैं जब पहली बार मैंने जब सनी पाजी को देखा था personally जब, तो मैं धर्म पाजी से मिलने गया था इसी शो की जब मैं बात कर रहा था, तो सनी पाजी आए अंदर और आंखें भी नहीं, उन्होंने उठा आके भी नहीं देखा कि कौन कौन बैठा है, तो कहते हैं पापा मैं जा रहा हूँ, फ्लाइट थी उनकी, तो मैं अपने दोस्त को मैं सनी देओल। तो मैं तो पहली रूप में मैंने ऐसा पहला रूप देखा इनका कि सनी देओल इतने शाही और इतने पापा के सामने, तो वही संस्कार हैं जो आगे आप लेके आ रहे करण। तो खैर हाँ जो पर क्योंकि जो आप पर्दे पे कर रहे हैं आप उस काम में माहिर हैं और आगे होते भी जाएंगे और आपको मजा भी आएगा अपने काम में, वो सब पर्दे में कर रहे हैं। फुटबॉल खेलने के लिए इनकार कर दिया, टीम में नहीं लिया। अच्छा जी। आप क्या खेलेंगे? मैं तो बाद में सुनने को मिलता है ही मेड हिज ओन टीम, ही वेंट आउट एंड ही फॉट विद द स्कूल टीम एंड वन द टीम। क्या बात है। धर्म भाजी, जैसे कोई भी बेटा जो होता है जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने लगता है तो हर एक बाप के लिए ऑब्वियसली बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन हमने सुना कि जब सनी पाजी जो है बेताब का जब मुहूर्त है तो आप किसी बात पे गुस्सा हो गए थे। गुस्से कितने बार होते हैं, पर एक पर्टिकुलर कड़ी चीज थी डबिंग। हाँ हाँ या अच्छा डबिंग। हाँ तो डबिंग तो मुश्किल होती है बहुत, डबिंग अच्छी हो रही थी लेकिन ही डिड वेल। लेकिन मैं डबिंग हमारे वक्त तो लूप था ना, वो चलता था ऐसे ऐसे, हम देखते थे आगे 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 और फिर निकल जाता था ऐसे डायलॉग पकड़े उधर ये, तो मैंने अपनी कमीज फाड़ ली थी डबिंग करते करते। डबिंग भी करनी पड़ी, पहले एक्टिंग करो फिर डबिंग करो। डबिंग इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अभी दिलीप साहब हमारे बहुत आहिस्ता बोलने वाले हैं, तो महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, उनकी भी चल रही थी। अच्छा जी। तो डिक्रूज करके हमारे साउंड रिकॉर्डर से वो आया कि दिलीप यूसुफ जरा बाहर आ यार, बाहर आइए जरा। क्यों? कहता यार केबल पकड़ो उधर से, झाड़ना इसको। बोले क्यों? इसमें आवाज़ नहीं कहता आपकी है आगे। आज भी सीख रहा हूँ मैं, इवन टुडे आई एम ए न्यू कमर। जी, हर रोज़ एक नया कमर है। मैं एक नए कमर के लिए, न्यू कमर को क्या होना चाहिए, उसको एक उसका बिगनिंग, उसको एक सबक और उसको लिए एक दुआ है कि इनके लिए भी कि चल पड़े हैं तो पहुँचेंगे भी। वाह, चल पड़े हैं तो पहुँचेंगे भी, और पहुँच कर सजाएंगे मंजिल कुछ इस तरह कि चलते हुए रुक जाएं, देखें क्या उठे। वाह वाह, गूंज वाह की, फिर गूंज उठे यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ। वाह। और गूंज की वाह से नम्रता में मेरी नम्रता और आ जाए। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल पाजी। मैं रुक जाऊं, पलट के झुक जाऊं, करूं शुक्राना अदा हर किसी का, फिर रुकेंगे जो दाद देने के लिए, चलेंगे दुआ देते हुए, चलते रहो करण, चलते रहो शहर, ये मंजिल तो पड़ाव है तेरे लिए। वाह। तो